बिजनेस वीजा पे। शादी विवाह के नाम पर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन व्यक्ति को प्रयागराज की साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नाइजीरियन व्यक्ति बकायदा गिरोह बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से लड़कियों से दोस्ती कराता था। सोशल मीडिया के जरिए जब दोस्ती नजदीकी में बदलती थी तो बात शादी विवाह तक पहुंच जाती थी। इस बीच गिरोह से जुड़े लोग उन्हें गिफ्ट भेजने की बात कहते थे। गिफ्ट को छुड़ाने के लिए दूसरे अकाउंट में कुछ पैसे लिए जाते थे। इस तरह से लाखों की ठगी करने के बाद यह गिरोह मोबाइल नंबर और सोशल साइट्स को बंद कर देते थे। आईजी प्रयागराज राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर लोगों से ठगी कर रहा था। ये साइबर थाना प्रयागराज ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने जो है एक साइबर ठग पकड़ा है, जो कि फेसबुक पर आईडी बना करके खासतौर से तलाकशुदा और विवाहित लोगों को आकर्षित करके कि वहाँ पर उनसे आईडी बना लें और उनसे चैट करें, उनसे विवाह शादी तक की बात की तक जाएं। और इसके बाद वो कुछ गिफ्ट देने के नाम पर उनको से पैसा लेते थे और वो पैसा डलवाते थे अपने खाते में। और इस तरह से एक प्रकरण यहाँ का आया था जिसमें करीब 20 लाख की ठगी हुई थी और एक व्यक्ति जो इस पर से वो जो इस पर फेक आईडी का शिकार हो गया था और वो लगातार गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला की आईडी लगाकर गिफ्ट भेजते थे। उस गिफ्ट पाने की लालच में 20 लाख रुपए खाते में डालते गए और उसे ठगी हुई, जिसमें आज एक नाइजीरियन नागरिक पकड़ा गया है। करीब एक महीने पहले प्रयागराज के एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी साइबर क्राइम की टीम ने सोशल साइट्स के बारे में पड़ताल शुरू की तो पता चला कि यह एक बड़ा गिरोह है जो दिल्ली से संचालित होता है। गिरोह में लड़कियां भी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करके नजदीकी बढ़ाती थी। बाद में बात शादी विवाह तक पहुंचती थी। इसी बीच यह गिरोह लोगों को झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। ठगी के बाद जिस नाम से सोशल साइट्स पर दोस्ती होती और जिस नंबर से बातचीत होती थी वो बंद हो जाता था।